ओके हाय एवरीवन। सो आज हमें एचसीवी का एक क्वेश्चन डिस्कस करना है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। सो इट सेज अ कॉनकेव मिरर फॉर्म्स एन इमेज ऑफ 20 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड 5 मीटर अवे फ्रॉम द मिरर। द हाइट ऑफ द इमेज इज 50 सेंटीमीटर। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड द ऑब्जेक्ट। फाइन। सो व्हाट इज गिवन, हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है। आप देखो इस तरह से हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, राइट। एंड इस तरह से इस मिरर की ये प्रिंसिपल एक्सिस है। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसे हम इस तरह से रखते हैं, राइट। ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी हाइट आपको गिवन है, दैट इज 20 सेंटीमीटर। एंड इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो बनेगी 50 सेंटीमीटर, और उसे हमें एक स्क्रीन में लेना है। एंड जो स्क्रीन का डिस्टेंस है फ्रॉम दिस मिरर वो 5 मीटर है। सो इस मिरर से 5 मीटर के डिस्टेंस पे आपके पास एक स्क्रीन होगी इस तरह से, एंड उस स्क्रीन पे आपको इमेज मिलेगी। सो इमेज किस तरह से मिलेगी, इस तरह से इन्वर्टेड इमेज मिलेगी, और उस इमेज का जो साइज होगा वो 50 सेंटीमीटर होगा, राइट। बेसिकली आपको यहां से ये समझ आना चाहिए कि जो मैग्निफिकेशन होगा वो कितना होगा, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और एक माइनस साइन भी लेना पड़ेगा, सो दैट इज -5/2। ये मैग्निफिकेशन की वैल्यू है। मैग्निफिकेशन नेगेटिव क्यों होगा, बिकॉज जो इमेज बनेगी वो इन्वर्टेड बनेगी। नाउ हमें कैसे पता कि इमेज जो है वो इन्वर्टेड बनेगी। आप देखो आपके पास जो मिरर है, ये जो मिरर है ये बेसिकली कॉनकेव मिरर है ना। कॉनकेव मिरर की अगर हम बात करते हैं, देन कॉनकेव मिरर, अगर आपके पास रियल ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट है और वो कॉनकेव मिरर के सामने रखा है, देन उसकी जो इमेज बनेगी वो दो तरह से बन सकती है। या तो रियल इमेज बनेगी या फिर वर्चुअल इमेज बनेगी। अगर इमेज रियल है देन 100% वो कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी, और अगर वर्चुअल है देन इरेक्ट होगी। सो कॉनकेव मिरर एक रियल ऑब्जेक्ट के लिए या तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है या फिर वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है। सो रियल और इन्वर्टेड इमेज कब बनाता है, जब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो माइनस इनफाइनाइट से फोकस के बीच में होता है। और वर्चुअल और इरेक्ट इमेज कब बनाता है, जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस से पोल के बीच में रखा होता है। सो इस केस में हमारे पास जो इमेज है वो रियल है, बिकॉज हमें उसे एक स्क्रीन पे लेना है। सो अगर हमारी जो इमेज है वो रियल है, इट मींस इन्वर्टेड होगी। इन्वर्टेड होगी इसका मतलब जो मैग्निफिकेशन है वो कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। सो दैट्स व्हाई -5/2 मैग्निफिकेशन होगा इस केस में, बिकॉज आपकी जो इमेज है वो रियल है, राइट। और आप इस तरह से भी फील कर सकते हो कि जो मैग्निफिकेशन होता है वो होता है -V/U। सो इस केस में आप देखो जो यू है रियल ऑब्जेक्ट है ना, रियल ऑब्जेक्ट के लिए जो यू होगा वो तो निगेटिव होगा, और जो V होगा वो भी निगेटिव होगा, बिकॉज आप स्क्रीन को मिरर के सामने ही रखोगे ना जिसपे इमेज लोगे। सो स्क्रीन का जो डिस्टेंस है मिरर से वो भी निगेटिव है, सो V भी निगेटिव होगा। सो आप देखो V निगेटिव, U निगेटिव, सो निगेटिव निगेटिव डिवाइड होके पॉजिटिव हो जाएगा, और एक माइनस साइन ऑलरेडी लगा है। सो दैट्स वाई जो मैग्निफिकेशन होगा इस केस में वो कैसा होगा, निगेटिव, जिसका वैल्यू होगा -5/2। नाउ मैग्निफिकेशन होता है -V/U, दैट इज -5/2। सो यहां से आप देखो माइनस से माइनस कैंसिल, सो V बाई यू की जो वैल्यू निकल के आ रही है दैट इज 5/2। और आपको गिवन है कि जो स्क्रीन है उसका जो डिस्टेंस है, स्क्रीन का जो डिस्टेंस है वो 5 है। सो इस केस में जो इमेज का लोकेशन होगा V, दैट विल बी -5 मीटर, है ना। लाइक अगेन ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है, सो ये डायरेक्शन होगा पॉजिटिव, उसका अपोजिट वाला डायरेक्शन निगेटिव, जो पोल है उस पर हम ओरिजिन लेंगे। सो जो V है ना, स्क्रीन का डिस्टेंस, स्क्रीन पे ही आप इमेज लोकेट कर इमेज बनाओगे, सो वो कितना है -5। सो V का वैल्यू है -5। अगर V का वैल्यू हमें पता है देन मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले का यूज करके V का वैल्यू -5 पुट करोगे तो U का वैल्यू कितना आएगा, -5/5 × 2, दैट इज बेसिकली -2 मीटर। अभी हमें फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है ना, सो हमें पता है V का वैल्यू कितना है -5, U का वैल्यू कितना है -2। सो जस्ट मिरर फॉर्मूला 1/U + 1/V + 1/U = 1/F। सो 1/-5
plus 1 upon minus 2, that is 1 by f. So it will be minus 2 minus 5 divided by 10, that is 1 by f. So f ka jo value nikal ke aa raha hai, f ka jo value hai, that is minus 10 by 7 meter. Ye meter mein aayega, because u aur v ko humne meter mein liya. So bas yahi hume find out karna tha. I think you have understood. Keep working hard, best of luck.